हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा लाइंस। शिक्षा लाइंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान, और जिसमें से कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें से कुछ यूनिक टॉपिक, जैसे आज हम देखेंगे राजस्थान के पर्यटन स्थल, और इसमें से हम देखेंगे 5 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में देखेंगे। और आगामी जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें से वो शॉर्ट शॉर्ट्स में आपको है वो टॉपिक कवर करवा दिया जाएगा, जो कि जैसे RAS, रीट, पटवार और अदर जितने भी RPSC के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल पर है वो सेशन कौन कौन से होते हैं, तो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि MCQ पैटर्न पे होता है, जो सुबह 5 बजे होता है। और डेली करंट अफेयर का मेरा दूसरा सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जो सुबह 6 बजे होता है। और वीकली MCQ रिवीजन होता है वो हमारा प्रत्येक रविवार को है दोपहर 12 बजे होता है, जिसमें पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके है वो पूरे सप्ताह के करंट अफेयर का है वो रिवीजन करवाया जाता है। और बहुत जल्द हमारे 2 कोर्स आने वाले हैं, एक आएगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित और दूसरा होगा हिंदी, जिसमें कि पर्यायवाची शब्द को कवर करवाया जाएगा। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जितने भी कोर्स कंप्लीट हो गए उन सब की है वो प्लेलिस्ट बना दी गई। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के पर्यटन स्थल के तहत है वो 5 प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि आगामी जितनी भी परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थपूर्णा के मंदिर, ठीक है। पहला है अर्थपूर्णा के मंदिर। अब यह अर्थपूर्णा के मंदिर किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे अर्थपूर्णा के मंदिर है ये है वागड़ में, ठीक है। अर्थपूर्णा के मंदिर वागड़। अब ये बने किसने थे, निर्माता कौन था इनका, ठीक है। तो निर्माता की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा परमार शासकों द्वारा, ठीक है। परमार शासक थे जिन्होंने है वो इन मंदिरों का निर्माण करा। अब यहाँ पे परमारों का है वो वागड़ से क्या संबंध है, तो इसकी बात की जाए तो परमारों की है वो वागड़ राजधानी थी, ठीक है। वागड़ परमारों की राजधानी रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। पहली बात अर्थपूर्णा के मंदिर कहाँ पे, वागड़। और वागड़ में जो अर्थपूर्णा के मंदिर है उनको किसने बनाया, परमार शासकों ने। अब परमार शासकों का संबंध वागड़ से क्या है, तो परमार शासकों की राजधानी है वो वागड़ रही थी, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पर्यटक स्थल की बात की जाए तो दूसरा है भंडदेवरा, भंडदेवरा, ठीक है। और ये भंडदेवरा है रामगढ़, भंडदेवरा रामगढ़ और डिस्ट्रिक्ट है बारा, ठीक है। भंडदेवरा रामगढ़ बारा, ठीक है। इसके है वो 2 उपनाम है उनका भी है वो ध्यान में रखना। पहला है राजस्थान का मिनी खजुराहो, ठीक है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, ठीक है। दूसरा बात की जाए तो हाड़ौती का खजुराहो, ठीक है। हाड़ौती का खजुराहो, तो ये इसके है वो 3 फैक्ट है। पहला है कि भंडदेवरा है वो कहाँ पे है, बारा में है। बारा में कहाँ पे, तो रामगढ़ के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, ठीक है, और हाड़ौती का खजुराहो, ये है भंडदेवरा बारा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 84 खंभों की छतरी, ठीक है। 84 खंभों की छतरी, और आगे के लेक्चर्स में जितने भी खंभों की छतरी हैं और किन की छतरी कहाँ पर है उनका भी हम विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी है, तो ये छतरी कहाँ पर है, तो ये छतरी है बूंदी के अंदर, ठीक है। ये छतरी बूंदी के अंदर है। अगर बूंदी के अंदर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो ये है देवपुरा गाँव में, ठीक है। बूंदी के अंदर पूछ लिया जाए तो ये देवपुरा गाँव के अंदर है, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं ये किसने बनाई, तो राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा, राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा, ठीक है। राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा इसका है वो निर्माण किया गया था, और ये कब बनेगी, तो 1683 में बनाई गई थी, क्लियर। ये फैक्ट है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, और बूंदी के अंदर भी पूछ ले कहाँ पर है, तो देवपुरा गाँव आ जाएगा। और इसका निर्माता कौन था, तो राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा इसका है निर्माण करवाया गया, कब करवाया गया, तो 1683, क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए मंचकुंड, ठीक है। मंचकुंड, और ये मंचकुंड कहाँ पर है, तो ये धौलपुर के अंदर है, ठीक है। मंचकुंड का ध्यान रखना, ये धौलपुर के अंदर है, क्लियर। और धौलपुर में है वो स्थित कहाँ पर है, तो इसका है वो ध्यान रखना गंधमादन, ठीक है। गंधमादन पर्वत वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इसका जो फेमस नाम है वो सबको पता है वैसे, तीर्थों का भांजा, ये तीर्थों का भांजा। अब यहाँ पे एक चीज़ है वो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे तो अपन को मंचकुंड देखा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है पंचकुंड, पंचकुंड की बात ही जाए तो वो हो जाएगा जोधपुर मंडोर, ठीक है। यहाँ पे इसमें है कन्फ्यूजन नहीं होना है, मंचकुंड तो है धौलपुर के अंदर, गंधमादन पर्वत पर तीर्थों का भांजा कहा जाता है जिसे, और पंचकुंड की बात की जाए तो वो है जोधपुर के अंदर, क्लियर, ठीक है। इसका है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, ठीक है। जसवंत थड़ा कहाँ पर है, तो ये बात की जाए तो है जोधपुर के अंदर, ठीक है। जसवंत थड़ा जोधपुर। अब जसवंत थड़ा जोधपुर को है वो क्या कहा जाता है, तो इनको इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल, और ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। इसीलिए इसको है वो ताजमहल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और ये जो है वो बनाया कब गया था, तो 1906 के अंदर बनाया गया था,
ठीक है। अब यहाँ पे इसका निर्माण है किसके करवाया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं ऑप्शन में जसवंत सिंह आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये जसवंत सिंह की याद में बनाया गया था, ठीक है, लेकिन बनाया था सरदार सिंह द्वारा, ठीक है, सरदार सिंह द्वारा, जसवंत सिंह, ठीक है, द्वितीय के लिए, द्वितीय के याद में, तो इसको है वो ध्यान में रखना है। जसवंत थड़ा कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है, राजस्थान का ताजमहल 1906 में इसका है वो निर्माण किया गया था, और ये जसवंत सिंह की याद में है वो सरदार सिंह द्वारा है बनाया गया था, ठीक है। तो एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है, जैसे कि आपका भी क्यों क्रियोजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था कि अर्थूर्णा के मंदिर कहाँ के, बागड़ के हैं, और बागड़ का जो इनके निर्माता कौन थे, तो परमार शासक थे, और परमार शासकों का है बागड़ से क्या संबंध रहा था, तो परमार शासकों की राजधानी थी वो बागड़, क्लियर। नेक्स्ट भंडदेवरा, भंडदेवरा कहाँ पर है, रामगढ़ बारा के अंदर है, राजस्थान का इसको मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। तीसरा 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, देवपुरा गांव में, और राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा इसका निर्माण 1683 में किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए, मंचकुंड ये है धौलपुर के अंदर, क्लियर। गंधमादन पर्वत और तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, और पंचकुंड की बात की जाए तो वो जोधपुर मंडोर में, ठीक है। नेक्स्ट जसवंत थड़ा, जोधपुर सफेद संगमरमर में से निर्मित है, और राजस्थान का है ताजमहल, और 1906 में इसका निर्माण किया गया था, और सरदार सिंह द्वारा है इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किया गया था, ठीक है। तो ये थे आज के पांच प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, और होपफुली ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमें वेरियस सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, और इन सब के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।